मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। पार्ट 4, कथनी और करनी मैंने पढ़ा दिया था ऑनलाइन में, आशा आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थ मीनिंग। उससे पहले आज का सुविचार है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं मिलता बिना मेहनत के, आपका साया भी धूप में आने से मिलता है। कितना सही बात है, बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम धूप में यदि जाते तो ही हमारी परछाई दिखता है हमें। इसका आशय ये हुआ कि बिना मेहनत के हमें सफलता नहीं मिलती। आज फिर हम पाठ के शब्दार्थ मीनिंग एक्स्ट्रा मैंने लिए हैं। जो पाठ के कठिन शब्द हैं आपके चैप्टर में आए हैं, उनका शब्दार्थ मैं समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला है ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान। अभिमान, घमंड या गर्व करना। तीसरा है कतार, लाइन। फोर्थ है मुस्कान मतलब हंसी। आचरण यानी व्यवहार, हमारा स्वभाव। कार्य मतलब काम करना। कथनी यानी हमारे द्वारा बोला गया वाक्य या कहना। फिर निषेध मतलब मना। यात्री यानी राहगीर। सज्जन अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये 10 आपको मीनिंग दिए हैं जो आपके चैप्टर से एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मैंने करवाया है। बाकी टेक्स्ट बुक में है, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है और ये भी आपको उसमें ऐड करके लिखना है। थैंक यू।